नमस्कार, मैं धर्मेश अंत्योदय योगा की तरफ से। हमारी अंत्योदय योगा की टीम साल में एक बार यहाँ का ट्रैक प्लान करती है। मई का टाइम सबसे बेस्ट होता है, तो हम हर साल यहाँ पर आते हैं, पर लास्ट 2 ईयर से कोविड के वजह से हम 2 साल नहीं आ पाए। पर जैसे गवर्नमेंट ने परमिट किया तो इस साल हम यहाँ पर आए और हमारा ट्रैक कंप्लीट हो रहा है। हम लोग कल गौमुख कंप्लीट करके यहाँ पर भोजवासा आए हुए हैं और यहाँ से रिटर्न चीरबासा जा रहे हैं। तो गौमुख और तपोवन, इसका नाम सब सुनते ही होंगे, गौमुख तपोवन ट्रैक। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो प्रोफेशनली ट्रैक कराती हैं, लाइक इंडिया हाइक्स है, त्रिलोफिया है, ई उत्तरांचल है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं। तो ये जगह जो है, जो ये स्थान है, ये सिर्फ घूमने के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए, ट्रैक के लिए नहीं है। ये स्थान देवस्थान है। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि जितने भी ऋषि हैं, देव शक्तियाँ हैं, उनने कभी ना कभी सालों साल बैठ कर तप किया है। तो ये जगह बहुत ही पवित्र है। यहाँ आकर आप जितना अपने आप को शांत रख पाते हैं, अपने आप से जोड़ पाते हैं, जैसे अपने आप से आप जुड़ पाते हैं, अपने आप से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, प्रकृति आपसे जुड़ जाती है। और प्रकृति से कनेक्ट होने के बाद आपको अलग ही अनुभव होते हैं, जो भीतर अलग अलग भाव उठते हैं। वो सबके अपने अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपनी भावनाएं हैं, उसके हिसाब से प्रकृति उनसे जुड़ती है। सो यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ घूमने के भाव से नहीं आना चाहिए, आपके अपने मन को तैयार करना चाहिए कि हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं स्पिरिचुअली। दूसरी चीज़, जो स्पेशली माउंटेनियर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस पर, क्या होता है जब हम बर्फीले या फिर हिमालयन रेंज में जाते हैं, वहाँ अगर आप एक भी पॉलीथीन का टुकड़ा छोड़ते हैं या एक बॉटल छोड़ते हैं प्लास्टिक का, उससे हम नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। अगर आप एक दिन पॉटी भी करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाती है, क्योंकि यहाँ गर्मी बढ़ती है। जितना ही ज़्यादा आप इधर आएंगे, उतनी गर्मी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग इधर उसका प्रभाव पड़ ही रहा है और उससे भी होता है। तो यहाँ आएँ तो सबसे पहले संकल्प लेकर आएँ कि आप इधर कोई भी कचरा ना फैलाएँ। दूसरा, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आएँ। ट्रेनिंग कैसी, 16 किलोमीटर का भुजवासा तक का ट्रैक हो गया है, पहले 14 का था और बहुत ही कठिन है, इसलिए सामान्य तरीके से ना आए। गौमुख भी बहुत दूर हो गया है, पहले 4 किलोमीटर हुआ करता था, अभी 6 किलोमीटर ग्लेशियर पिघल के पीछे चला गया है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर था, पहला सियाचिन, एंड ये दूसरा गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा जी निकल रही हैं, ये भी पिघल के बहुत दूर चला गया है। सो उसके लिए भी ट्रैक बहुत कठिन है। तो एटलीस्ट 2 महीना पहले से अपनी ट्रेनिंग करें, जिम करें, योगा करें, या फिर रनिंग करें, साइकिलिंग करें, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर आप अपनाते हैं तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एरिया में। 3 से 4 लीटर पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है और फिर आप चलने की स्थिति भी, चलने क्या मतलब आप उठने की स्थिति भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तुरंत डाउन हो जाता है। थोड़ा सा आप चलते हैं, पूरे मसल्स पेन करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये हिमालय से घिरा हुआ इस जगह है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसका नाम है भोजवासा। सामने हम अगर देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे भागीरथी के 3 पीक्स हैं, तो इस टाइप की जो पीक्स हैं, जो 6,500-7,000 फीट की हाइट पे हैं, जिनको लोग समिट भी करते हैं, बट ये बहुत ही खतरनाक यहाँ की पीक्स है, एवरेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि एवरेस्ट बहुत इजी हो गया है अभी, पर यहाँ अभी रास्ते वगैरह नहीं बने हैं, बट लोग कवर करते हैं। सो मैं आप सभी को लास्ट में यही सलाह दूंगा, अगर यहाँ आ रहे हैं तो प्रॉपर फिटनेस बना कर ही आइए, ऐसे ही मतलब मन बना और ऐसे चल दिए, इस भाव से इधर ना आए।